सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 में ओल्ड प्रोग्राम एंड फीचर शॉर्टकट कैसे ऐड करते हैं अपने डेस्कटॉप पर। दोस्तों, आप समझ लो, अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाकर आपको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं डेस्कटॉप पर, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने विंडोज 10 में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स। ओके, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख सकते हैं ये एक शॉर्टकट आ गया है। तो इसको आपको इसका आइकॉन चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आपको चेंज आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लुक फॉर आइकॉन इन दिस फाइल, इसके ऊपर भी आपको लोकेशन जो है पेस्ट करना है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो अब इसके लोकेशन के ऊपर मैं यहाँ पर, उसके बाद इस टेक्स्ट मैटर को आपको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका जो लोगो है मैं आपको चेंज करके बताऊँगा कंट्रोल पैनल का। ये रहा कंट्रोल पैनल का आइकॉन, इसके ऊपर फिर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई। ओके ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है शॉर्टकट ऐड हो गया है लो आइस के आइकॉन के साथ। अब मैं इसको ओपन करके बताऊँगा आपको, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अनइंस्टॉल प्रोग्राम के ऊपर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।